हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैक्ट मशीन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो जिसको नहीं पता, माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है जो कि मॉनिटर पर किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था। उन्होंने इस माउस का आविष्कार 1960 के दशक में किया था। जब माउस का आविष्कार किया गया तो माउस का नाम पॉइंटर डिवाइस रखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ल एंजलबर्ट ने सबसे पहला माउस लकड़ी का बनाया था। कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने वाले माउस का सार्वजनिक प्रदर्शन 1968 में किया गया था। हालांकि उसमें दो पहियों का उपयोग किया गया था, जो कि उसकी सरफेस पर एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन की पोजीशन को ट्रैक करने के काम में लिए गए थे। उसके बाद जब माउस में नए नए बदलाव होने लगे तो माउस वायरलेस हो गया, यानी वायरलेस माउस भी आने लग गए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वैसे वैसे इसकी बनावट और इसकी तकनीकी में बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।